मेरी बात आ चुकी है वैसे, लेकिन मेरा नंबर है, थोड़ी बहुत बात मैं जोड़ देता हूं। मुझे लगता है कि मेरे से पहले पूरे देश के बहुत अनुभवी लोगों ने बातें रखी है। एक नारा बोल दो, हमारे गांव में ऐसे नहीं आए, हमारे गांव में तो, क्योंकि ये बात जो है नारे की, मैं 25-30 साल पहले खरगोन गया था, गजानंद भाई जहां हैं और निकुंज भाई और विजय भाई थे। इसके बाद में ये जो शिलालेख का अभियान चला, जब कानून बना, तो शर्मा जी और दिलीप सिंह जी भुरिया डूंगरपुर में आकर के सम्मेलन में रहे और एक शिलालेख का हमें बताया। और आज की तारीख में डूंगरपुर में 250 गांव से ज्यादा गांवों में शिलालेख हैं जिस पर पैसा कानून लिखा हुआ है। बांसवाड़ा में है 100 शिलालेख। और बाद में ये बात कभी आई कि पतलगढ़ी पतलगढ़ी करके अखबार में दिया और पतलगढ़ी करने वाला कौन है, ये भी आया। और बाद में हमारे पास इंटेलिजेंसी के बड़े भारत सरकार के कोई अधिकारी आते हैं और वो सबको इकट्ठा करके गेस्ट हाउस में बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्या क्या है, जानना चाहते हैं, सरकार तक हम सीधी पहुंचाएंगे। तो लोकल इंटेलिजेंसी ब्यूरो है वो सब हमें पकड़ के मतलब बुला करके बड़ा स्वागत करके चाय नाश्ता करा के हमारे से बात खुलवा करके वो उन्होंने आगे क्या परोसा है वो ही जाने, लेकिन हमसे निकलवा के ले गए। तो वो सब पता करते हैं कि कौन कहां आंदोलन कर रहा है, कहां पे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये सब चीजें, इसलिए जो राज्यपाल से मिलने की या उनसे सिफारिश करने की जो बात है, हम भी मौलवीजा जी राज्यपाल थे, हमारे डूंगरपुर आए थे, हम मिले, काफी उनको सुझाव दिया, उन्होंने कलेक्टर को तुरंत कहा। हालांकि मेरा ये कहना है कि जो राज्यपाल बनते हैं वो बनते कौन है। आज जो मुख्यमंत्री हार गए उनको राज्यपाल बना देते हैं, मुख्य सचिव होता है तो राज्यपाल बन जाता है, जो उन पार्टी का जो सरकार चलाता है उसी को राज्यपाल बनाते हैं वो। और वो क्यों हमारी सिफारिश करेगा, क्यों आदिवासी क्षेत्र की सिफारिश करेगा, क्यों उनके सुझाव देगा। लेकिन फिर भी अपने पास तो कोई और रास्ता है नहीं, रास्ता तो वही है जो वहां जाना ही है। अपने पास भी एक मजबूरी है कि किसके पास जाए, तो वो तो है ही है, लेकिन वो इसलिए एक दबाव में रहते हैं कि उनको काम करना नहीं होता है। ये हम लोग डूंगरपुर में, जैसे गजानंद भाई ने बताया, तो मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे डूंगरपुर में 22 गांवों में ऐसा एक भूमि थी जहां पे हम, वो भूमि लोगों के नाम पर नहीं थी, सभी गांवों में आदिवासी थे, कुछ जगह पर गैर आदिवासी ऐसे लोग थे। वो जमीन राजा रजवाड़ों के समय से उनके नाम पर थी, वो लोगों के नाम पर नहीं थी, लोग खेती करते थे। और बाद में सरकार ने उस जमीन को सरकार के अपने कब्जे में ले ली और लोगों को वहां पर पेनल्टी लगा दी। उस जमीन को खाते कैसे करवाएं, उनके नाम पर कैसे आवे, उसका 5 साल तक आंदोलन लड़े और हर गांव में शिलालेख स्थापित की, हर गांव में शांति समिति का गठन किया। इसके बाद में 11 दिन तक वो आंदोलन करने के बाद कलेक्टर ने राज्य स्तर पे और निर्णय लेने के बाद वो जमीन उन लोगों को आज मिली, वो भी पूरी नहीं मिली, थोड़ी मिली। इसी तरह से वन अधिकार की बात करें, आज डूंगरपुर जिले में संघर्ष और लड़ाई करने के बावजूद 5,000 लोगों को लगभग निजी पट्टे मिले, निजी अधिकार मिले। अब 5,000 का गुणा करें तो एवरेज 4 बीघा, तो 20,000 बीघा। और 20,000 बीघा मतलब अगर एक गांव में 200 हेक्टर माने तो 10 गांवों की जमीन उनको मिली है, 100 गांवों में अधिकार पत्र मिले। लेकिन वन अधिकार कानून में जो सामुदायिक राइट्स हमारा जो होना चाहिए, गांव को एक अधिकार मिलना है, वो अधिकार अभी कहीं पर भी नहीं दिया। और किसी अधिकारी की यह समझ नहीं है कि सामुदायिक अधिकार क्या है।
बार बार वो ले जाके सुविधा के अधिकार पर टिका देते हैं। वन अधिकार में तीन अधिकार मिले हुए हैं, निजी अधिकार है, सुविधा का अधिकार है, सामुदायिक अधिकार है। वो सामुदायिक पूरे गांव का जो संसाधन है वो गांव का होना चाहिए, उसका प्रबंधन गांव करेगा, वो अधिकार पे कभी बात नहीं करते हैं। कलेक्टर होगा उसको जानकारी नहीं, डीएफओ होगा उसको जानकारी नहीं, जनजाति विभाग का अधिकारी होगा उसको जानकारी नहीं। जब उनको जानकारी होती है 6 महीने उनका ट्रांसफर हो जाता है। हमारे इलाके में एडीएम हमेशा आज से 5 साल हो गए 3 महीने से ज्यादा नहीं रहते हैं। कैसे उस अधिकारों को मान्यता करनी? तो हमें, मेरे कहने का मतलब है कि आगे हम जो रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति में सामुदायिक अधिकार भी हमारे पूरे देश का एक पॉइंट होना चाहिए जिनसे हम उन लोगों को जोड़ सके। क्योंकि बार बार लोगों को पैसा कानून, हमें भी लगा कि 1998 में हमने पहली शिलालेख की थी, अब पैसा लोगों को, अब पैसा हो चुका, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है। लोगों को काम के लिए भी गांव में हमें जाते हैं तो उनको भी कुछ काम दिखे, उनको भी कुछ लगे। तो हमने बीच में इस रणनीति को थोड़ा सा प्लस पॉइंट किया, जैसे यहाँ पर श्रुति और पीस के लोग और हम सब मिल करके दिल्ली से उन्होंने भी, और हमने गांव विकास प्लान का एक आयोजना बनाया, सभी गांवों में गांव विकास का प्लान बने, नरेगा की योजना जुड़े, पेंशन की जुड़े, किसका बाकी है किसका नहीं है, पूरे गांव का एक सर्वे हो जो सारे लोग उसमें जुड़े, तो पूरा एक प्लान बना करके ग्राम पंचायत को सौंप रहे। तो वो एक प्रक्रिया हमारे अभी चल रही है और उसको हम लगातार नियमित बनाए रखे हैं ताकि उन लोगों को नरेगा का प्लान का पूरा काम मिले, पूरा दाम मिले और पूरा उनको 100 दिन का काम मिले, ताकि उन लोगों को हम महिलाओं को सारी की भागीदारी हो और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा उसमें भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़े। तो ये एक उसका थोड़ा सा रणनीति ऐसा थोड़ा चेंज किया है। और हम सरकार हमारे साथ में क्या, ग्राम सभा की बात, जयपुर से आदेश आएगा ग्राम सभा करो, वो पंचायत लेवल पे करके ग्राम सभा और खत्म कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि ग्राम सभा नहीं, हम गांव सभा बोल रहे हैं भाई। ग्राम सभा राजस्व गांव में फले में हमारी पाल में होना चाहिए। हम हमारा रिवाज में गांवों पे विवाद नहीं निपटता है हमारा, जैसे पहले 12 गांवों का बताया था, तो हमारे वहां पूरे 12 गांवों का पाल होती है, पाल सभा बोलते हैं, वो पाल में जाके निपटते हैं बड़े मुकदमे, कोई ऐसा बड़ी लड़ाई का मुद्दा हो गया है तो। इसके बाद में पाले पाले मिलती है, पूरा ब्लॉक या जिले लेवल पे होता है। तो इसी तरह से गांव सभाओं का एरिया लेवल पे क्षेत्रीय परिषद के रूप में इलाकेवार हम जो गांव सभाएं बनी हैं उनको लेकर हम गांव सभा का निर्णय करते हैं, वहां पर कोई आयोजन करते हैं, अगर रैली करना है, धरना करना है, ऐसी कोई प्लान है तो वो हम वहां पे करते हैं। तो एक इलाके में 25 गांव सभाएं, 30 गांव सभाएं, 15 गांव सभाएं वो मिलके बैठे और उनका कृषि के बारे में, रोजगार के बारे में ये सारी बातें करें, तो एक ये ऐसा हो सकता है। अभी राजनीति के साथ तो जाना है, लेकिन मेरा कहना है कि राजनीति के साथ जाना है, सतर्क भी रहना है। ये जो जितने भी अभी प्लान आ रहे हैं, अभी हमारे इलाके में बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, बुलेट ट्रेन की सर्वे वाले आए, गांव सभा ने उनको रोका कि यहां कौन सी सर्वे कर रहे हो, तो वो चले गए। बाद में तहसीलदार साहब को कहा कि आप यहां पे बुलेट ट्रेन आ रही है और सर्वे हो रही है और आपने हमको बताया नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको ये गलत फहमी हो गई है, आप ये गलत फहमी में मत रहो, आएगा तो हमें पूछ के आएगा, हम बता देंगे आपको। उन्होंने बात मानी नहीं, फिर सर्वे वाले आ गए, उनको पकड़ा और उनको मारपीट करने लगे लोग, तो पुलिस आ गई, तहसीलदार आए, फिर तहसीलदार साहब को बताया कि ये कौन है, फिर कि ये सर्वे हो रही है, तब आपको हमने पहले बोल दिया, तब आपने बोला कि नहीं आ रहे, नहीं सर्वे हो रही है, और ये जब आप इनको मारपीट होने आ गई लोगों की, तब आप हमको पकड़ने आए। तो अभी वो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में सर्वे चल रही है, लेकिन एक बुलेट ट्रेन की भी सर्वे चल रही है हाईवे के पास। हाईवे के दोनों तरफ 200 किलोमीटर के अंदर कोई एलोटमेंट का कैंप बंद है, और वो बोल रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई तक कॉरिडोर योजना बनी हुई है,
उस कॉरिडोर योजना में पूरा आदिवासी क्षेत्र जितना भी खनन है, जितना भी उनका पानी है, जितना भी उनको सड़कें बनानी है, वो काम कुछ न कुछ उन्होंने बीच में शुरू किया। तो हमारा पूरा आदिवासी इलाका जो राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र तक दिल्ली तक जाएगा तो पूरा खत्म करने का उनका कोई एक प्लान ये भी चल रहा है। हमें आगे जो बहुत सारे सुझाव आए हैं उस पर मेरा भी कहना है कि हमें गांव लेवल पर, नीचे लेवल पर तो काम बहुत जोर से करने की जरूरत है, लेकिन ये जो एक आयोजन अभी काफी समय के बाद मैं भी दिल्ली में आया, ऐसा बड़ा कार्यक्रम है जो पीस और श्रुति के द्वारा और डॉक्टर साहब और इन सब ने जो मिलकर किया है, ये ऐसा 6 महीने में या ऐसा कोई जिससे कि नई ऊर्जा हमारे जैसे लोगों में भी आती रहे और नए साथियों में भी जाती रहे, कुछ न कुछ तो एक नया ज्ञान मिलेगा और आगे की रणनीति भी मिलेगी। तो इसी सुझाव के साथ मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय जवान। आवाज दो।